पहली बात यह है, ये अपने आप में धर्म कोई भी हो वो भावनाओं पर निर्भर करता है। ये सभी जानते हैं, भली भांति जानकारी है, जो भी धर्म प्रेमी हो चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुकात रखते हो, उसे मुख्य रूप से भावना प्रधान होता है। उस खम्मा के अंदर भगवान स्वयं नरसिंह भगवान थे नहीं, अगर प्रहलाद के आग्रह में भगवान को उस खम्भे में पत्थर में निर्जीव में आना पड़ा, उस खम्मा से जब उसने कहा कि क्या तेरा भगवान इस खम्भे में है, तो उसको खम्मा में आके खम्मा को फाड़ के बाहर आना पड़ा। इसी तरीके से मेन चीज भावनाओं से व्यवस्था इसका कायम है, भावनाथ मंदिर। इस मेला का इसलिए भी बहुत बड़ा हजारों गुना महत्व है कि अनाथों के नाथ, इसका कोई शरण नहीं है। उस प्रकार के अनाथ एक जो थी, एक भिल्ली माता थी, और वो भिल्ली जो बूढ़ी थी उसकी एक ही कन्या ही थी। और उस कन्या को जो थी, वो कन्या जो थी जुवा थी, और वो लकड़ी में बिनने गई, उसको शेर खा गया। शेर खाने के बाद क्या देखती, जगदम्बा महारानी स्वयं आदिशक्ति दुर्गा अब माता पार्वती सती जो थी, वो कैलाश से विचरण करते हुए पुत्र मोह में जब कार्तिक भगवान चले आए, इस गुजरात को महा गुजरात में कहा जाता है, कर्नाटक आंध्रा महाराष्ट्र और 90% मध्य प्रदेश का तमाम जू भाग जो था, ये जो पूरी तरह से आदिवासियों का और कोल भीलों का और इस तरह से समझिए आदिवासियों के सम्राट राज्य थे। उस राज्यों के गुरु थे स्वामी कार्तिक भगवान, जो शिव जी के पुत्र थे, माता पार्वती जगदम्बा के वो पुत्र थे। कैलाश छोड़ के चले आए थे, आने के बाद वो सन्यासी रूप से जीवन का अपना जांचना करते थे। देवताओं को जो सेनापति कार्तिक भगवान चले आए थे, माता के इच्छा हुई कि उसको मिलने के लिए भगवान शंकर को बिना बताए हुए परिक्रमा करती हुई और कार्तिक की तरफ प्रस्थान किया। रास्ते में भिल्ली की एक घटना होती है, वो घटना होने के बाद वो क्या देखती है, एक युवा कन्या जो थी भिल्ली की, तुरंत मतलब जो है एक शेर खा जाता है। माता जगदम्बा आगे देखती है तो एक बुढ़िया है जो 80-85 साल से जो अपने आप को बिस्तर से उठ भी नहीं सकती है, चल भी नहीं सकती, फिर भी नहीं सकती है। वो जगदम्बा जब देखती है तो उसको कहती, इसको क्या होगा। तुरंत उस माता ने उस बुढ़िया का जो निराश थी और एकदम उसके जीवन में निराशा का समुद्र घोर अंधेरा छा जाने वाला था, माता जगदम्बा स्वयं उसको एक कन्या के रूप में प्रकट हो गई। कन्याओं के रूप में प्रकट होने के बाद हजारों करोड़ों पहले नियम था कि युद्ध होगा वो सुंदर कन्या से विवाह कराएगा। आदिवासियों का भी कोल भीलों का भी ये परंपराएं थी, जो सूरवीर होगा वो अच्छे तरह उसका पोषण पालन देखभाल सुरक्षा व्यवस्था दे सकता है। उसी में क्या है कि कई भीलों का सम्मेलन था, उस भीलों में वो माता पार्वती जो है जब देखा तो नारद जी ऊपर से जा रहे थे। नारद जी देखने के बाद तुरंत नारायण के कहते हुए माता जगदम्बा को चरणों में नमन किया कि माता एक किशोर कन्या में, एक युवा कन्या में ये यहाँ क्या कर रही है। और तुरंत जब ध्यान किया, प्रणाम किया, महादेव से कहा कि ऐसा ऐसा कैलाश में समाचार दिया। नारद जी सो शक्ति थी, वो उनकी तरह कामना थी, जैसे आप लोग आज निर्भय रूप से चाहे विपक्ष का काम हो, चाहे सत्ता काम हो, चाहे आलोचना का हो, चाहे आप हर एक प्रकार की आलोचना झेलते हुए घाटा फायदे से काम मीडिया के लोग करते हैं। इस तरीके से वो जो कार्य था नारद जी ने निष्ठा श्रद्धा के साथ पहुंचाया महादेव को। महादेव ने तुरंत एक किशोर सुंदर एक कन्यागर लड़के के पुत्र रूप में प्रकट हुए स्वयं महादेव। और आए आने बाद जब ही माता जगदम्बा का नजर पड़ी तो पहचान गई, ये तो स्वयं महादेव आ गए। और तुरंत युद्ध हुआ, वो युद्ध भीड़ में कौल भीलों को, समस्त भीलों को हराया। हराने के बाद उस कन्या को प्राप्त किया। सारे भील मिलकर जो थे, कहां कर्नाटक आंध्रा तमिलनाडु ओडिशा बंगाल झारखंड, तमाम जो भील सम्राट थे अपने गुरु को मत्था टिकाने लेके जा रहे थे। और जब गुरु जब देखा कार्तिक भगवान उनके गुरु थे, और जाके जमीन लंबी डंडौत खींचा, उनको देखा ही
तो भगवान स्वयं जो थे कार्तिक भगवान एक साष्टांग दंडोत कीते हुए प्रणाम उनके चरणों में किया, तो भीलो ने कहा कि ये मेरा गुरु, इसकी बुद्धि खराब हो गई, सठिया गया, ये मेरा इस भील को नमस्कार कर रहा, चरण पकड़ रहा। तो जब उसने ऐसा हुआ, तुरंत फिर महादेव कृपा से तुरंत ये जगह है जो पाया जाता है कि यही वो जगह है जहां की भगवान शंकर जो थे अपने असली रूप में आकर पार्वती माता जगदम्बा कैलाश को प्रस्थान कर गए। वो समय रात्रि का 12 बजे था। जैसे आप जानते हैं भाई बहन का मिलन, जम और जमुना महारानी का मिलन कब होता है? रात्रि को ठीक 12 बजे, उसको बोलते हैं जम द्वितीया। इस प्रकार से भगवान शिव की रात्रि का शादी होती है। और हम लोग ये मानते हैं किसी और जगह तपस्या करेंगे तो जो हमें 20 जन्म में फायदा मिलेगा, 21 जन्म में मिलेगा, वो गिरनार में क्षण दिनों मिल सकता है। गिरनार 10 नाम का खूंटा है। यहाँ चाहे हिमाचल में बालक बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, देश के लोग जानते हैं, गिरनार का लड़का था ब्राह्मण का, वो सिर्फ 3 दिन में सिद्ध हो गया था। हिमाचल कश्मीर में उसको बालक बाबा कहते हैं, उसका इतिहास हिमाचल जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से कश्मीर, और इसी तरीके से कहा गोरखनाथ जी, ये जो देख रहा बड़ का पेड़ जहां था जिसको जूना अखाड़ा आज कहते हैं, पहले किसी जमाने में कीनाराम अस्तिल था, और यही कौन अशोक सम्राट के जो दादा सुदर्शन, वो तपस्या करके सहस्त्र बाहू के तरह वरदान प्राप्त किया था, जैसे भगवान दत्तात्रेय को सहस्त्र बाहू को वरदान दिया था, इसी तरीके से सुदर्शन को सम्राट अशोक के दादा को आशीर्वाद मिला था पुत्र का। इसलिए मेला अपने आप में, आप यहाँ पे 5 मिनट भी ध्यान करते हैं तो अनेक प्रकार की सिद्धि पाई जाती है, चाहे वो तुलसीदास के गुरु थे, चाहे रामायण के गुरु थे, चाहे नाथों के थे, चाहे और कोई था, चाहे गोरखनाथ जी थे, अनेक प्रकार की पाई जाती है गिरनार के तलेटी में। अरे बहुत अच्छा भगवान दत्तात्रेय का भावनाथ महादेव की है, जो आपके एक सृष्टि में उनकी दृष्टि हो सकती है, सारा कार्य हो सकता है। ये कहते हुए जय भावनाथ महादेव की जय।